वेल, अगर आप इस तरीके के ऑडियो को अपने फ़ोन से ही एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक एंड्रॉयड ऐप और ये अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। सर्च में आपको सर्च करना है ऑडियो लैब और सबसे फर्स्ट में ही आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा ऊपर वाला, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। जैसे आपका ये ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपली इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप इस ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री में अपने ऑडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, अपने ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, इवन इसी ऐप से आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आप इसमें ऑडियो को एडिट करके बेस, ट्रेबल वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आप चाहते हैं अपने म्यूजिक के अंदर आप 3D इफेक्ट को लगाना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑडियो इफेक्ट का, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए किस म्यूजिक में आप 3D सराउंड साउंड को ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर वाले म्यूजिक में 3D सराउंड साउंड को यूज करना चाहूँगा। जब आप इस साउंड पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 3D इफेक्ट का। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को तो हेडफोन लगा के ही देख रहे हैं, आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद या फिर कितने सेकेंड बाद आपका ऑडियो 3D में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपली आप यहाँ पे 2 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड के बीच रख सकते हैं और मैक्सिमम 32 सेकेंड का होता है। पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने ऑडियो को 4 सेकेंड पे सेलेक्ट कर लें। जब आप ऑडियो को 4 सेकेंड पे सेलेक्ट करेंगे आप चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। बाय द वे आप ओके पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपका ऑडियो एडिट हो चुका है। आपने देखा एक ही सेकेंड में यहाँ पे हमारा ऑडियो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। बस अगर आपको इसे सेव करना है तो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करिए या फिर आप यहाँ से प्ले करना चाहते हैं तो सिंपली इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको एक म्यूजिक सुनाता हूँ। आपने सुन लिया कि किस तरीके का सराउंड साउंड आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप अपने फ़ोन में इसे सेव करना चाहते हैं तो सिंपली इस टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपका जो ऑडियो है वो आउटपुट में सेव हो चुका है। एक बार बैक कर लीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आउटपुट का। इस आउटपुट के सेक्शन में आपको वो सारे ऑडियोज़ दिख जाएंगे जिसको आपने एडिट किया है। आप इसे किसी भी अपने म्यूजिक वीडियो में या फिर किसी भी म्यूजिक के अंदर आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।